नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 11, मुझे सोने दो। कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे सोने दो। आपको भी जब आपकी मम्मी उठाती है तो आप क्या बोलते हो, मुझे सोने दो। लेकिन इस सोने से अपने कितने काम खराब होते हैं बच्चों। देखो, अगर अपन समय पे नहीं सोते हैं, समय पर नहीं जगते हैं, तो अपन एक आलस के रूप में रहते हैं। अपने कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है और कोई भी काम में अपना मन नहीं लगता है। तो बच्चों, अपन को टाइम पर जगेंगे, समय पर जगेंगे तो अपन एकदम चुस्त अच्छे से रहेंगे, फुर्ती रहेगी अपन में, आलस नहीं रहेगा और अपन को किसी भी काम को करने में मन भी लगेगा और वो काम अपन को करना अच्छा भी लगेगा और वो काम अच्छे से भी होगा। तो देखो, आपकी बुक में एक लाइन है, समय पर सोना और समय पर जगना बहुत जरूरी है। आप सब मेरे साथ अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए, समय पर सोना और समय पर जगना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हमें टाइम से सोना चाहिए और सही टाइम पर उठना चाहिए। इससे हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है, हमारा शरीर भी सही रहता है। जब हम आलस में आ जाते हैं तो हमारे फैट भी बढ़ जाते हैं, हम बिल्कुल किसी काम में हमारा माइंड भी इतना फ्रेश नहीं रहता है। लेकिन अगर हम समय पर सोएंगे और समय पर जगेंगे तो हम हर तरीके से दुरुस्त रहेंगे, हर तरीके से अपन हेल्थी रहेंगे। तो देखो, समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है। जब हम समय पे नहीं सोते, रात को 12-12 1-1 बजे सोते हैं तो अपन की नींद भी पूरी नहीं होती, क्योंकि सुबह अपन को वही उठना होता है, अपने काम पे जाना होता है, हर काम करना होता है। तो फिर अपनी नींद पूरी नहीं होती है तो अपन का ध्यान भी किसी काम में अच्छे से नहीं लगता है। और अगले दिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है समय पे सोने पर, तो और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। जब हम समय पर सोएंगे तो समय पर जगेंगे तो हमारी नींद पूरी होगी और हमारे सारे काम समय पर हो जाएंगे। और वो काम जब समय पर होंगे तो हमको भी खुशी होती है कि आज हमारे काम समय पर हो गए, अच्छे से हो गए, और तो हमको भी रिलैक्स, आराम करने का टाइम मिलेगा। बच्चों, मैं आपको आज पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, आधा पढ़ाऊंगी, लेकिन उसको मेरे साथ साथ पढ़ना है और समझना है। तो ये जो अपना हम आधा पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे दो शब्दार्थ आते हैं। पहला है शरारती, शरारती मीन्स शैतान, शैतान करना, ठीक है ना। शैतान जो होते हैं ना, वो शरारती होते हैं, हर वक्त शरारत करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। दूसरा है सुस्त, सुस्त मीन्स आलसी। बताया था ना, सुस्त कब रहोगे, जब आप समय पर ना सोओगे और ना समय पर जगोगे। तो ये हमारे पार्ट अभी हम आगे पढ़ रहे हैं अपना, तो आप मेरे साथ साथ ही पढ़ोगे, जिसमें दो ये आए हैं शब्दार्थ, शरारती मतलब शैतान, सुस्त मतलब आलसी। तो चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, अपना पाठ पढ़ते हैं, अपना पेज खोलेंगे सभी और पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आप अपना पेज नंबर 82 निकालोगे और अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो मेरे साथ साथ पढ़ोगे। सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था, वह कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, हमें समय पर सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था, वह हमेशा रात में देर से सोता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए, उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना जी ने उन्हें एक बिल्ली दी, वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है, तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। सोचो नाना जी ने सौरभ के माता पिता की समस्या कैसे हल की होगी। तो बच्चों आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे और इसमें दो शब्दार्थ आए थे जो मैं आपको शुरू में समझा चुकी हूँ, शरारती मीन्स शैतान और सुस्त मीन्स आलसी। आप ये पाठ पढ़ोगे और दो शब्दार्थ याद करोगे। तो हम अगली क्लास में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।